तनी दासा कहे रे भाई कथाए बड़ा सच्चा ए दुनिया रे केही ना केही कहार तो चमचा ए दुनिया रे केही ना केही कहार तो चमचा। नमस्कार जय जगन्नाथ। आपण जेतेबेले जो राज्य रे रहउचंदी सरकारक सपोर्ट रे रहउंतु, या छना आपण पाखर कोनोसी प्रकार उपाय नाही। सरकारक जयगान करिवे, जे करंट सरकार रहइबो तांकर गुणगान करिवे, तांको वाह वाह कहिबे, तापर जाई आपण शांति रे रहिबे, सबु प्रकार लाभ पाइबे, कोनोसी प्रकार आपणकर क्षति हबो नाही। किंतु आपणकर सरकार को आलोचना करिवार जदि माने मुह खोलिवार शक्ति थाए, ताले से जिंसटा को आपणको बंद करिया पई पडिवो। बंद न कले आपणकर अवस्था से अन्न गोस्वामी ओडिशारे अर्धेन्दु दासको पर हबो। अर्धेन्दु दास होउछन्ति बड़ खबर रो एडिटर। बड़ खबर गोटे वेब पोर्टल चैनल, जो चैनल पई से जने व्यक्तिक पाखरु किछि सरंजाम आनिथिले, ता प्रतिबदले ये ताको किछि पैसा दे करिवार थिला। किंतु तांकर सम गोडी चलला, से पैसा दे करि पारले नाही। एंकर एलिगेशन रहिला से आमु देइथिबा जिंस विषय किछि यांत्रिक त्रुटि थिला, किछि खराब जिंस से आमु देइथिले। एटा गोटे बिजनेस डील थिला दुई जन लोकक भितरे। किंतु वर्तमान ए बिजनेस डील टी ओडिशार सबुठू बड़ चांचल्यकर खबर, कहीं ईओडब्ल्यू गोटे संस्था जे कि माने ए आर्थिक हेरफेर रे अर्धेन्दु दास को विगत गोटे दिन तले तांकर जने बंधु घरे से रहुथवा बेले तांकु अचानक भाव उठे के आनिछ। अच्छा, एतिरे चतुर्थ स्तंभ कहुथवा जेतिकि ओडिशार जेतिकि चैनल अछन्ति समस्ते कोनसी ना कोनसी राजनीतिक लोकंक किंबा व्यक्ति विशेषकर चैनल, कहीं एत बड़ चैनल पाखे फोन तो साधारण लोक कौन ना, बिजनेसमैन से बड़ बड़ ओडिशार बिजनेसमैन के मानने नहांती, समस्ते से ही राजनैतिक मानने इनफ्लुएंसर से ही मानकर चैनल ही ओडिशार चलुच। तेणुक जार जो चैनल से चैनल गुणगान करमी आप नंदीगोष टीवी, नंदीगोष टीवी होती आम राज्य सरकार चैनल, नेशनल चैनल को छाड़देले, नेशनल चैनल तो आगे आसूला डीटीएक्स ओडिया आसूल छाड़देले। ओडिशा रे जदि आम गणमाध्यम देखा नंदीघोष चैनल हूँ सरकार निजस्व चैनल, ये समस्त घर घर गलिकंदी जानते सी भी मानते नंदीघोष चैनल को चैनल हूँ सबू जगार सरकारी कार्यक्रम प्रथम स्थान दिज्व प्रथम मानने सब प्रकार अग्राधिकार दिज्वे रिपोर्टर मानक सब प्रकार अग्राधिकार दिज्व कि चैनल मानक दिज्व ना। तापर अगर चैनल मानक मानने भूमिका रोचान से मैंने सरकार को सत्य आक्षेप करूना, न्यूट्रल रोचान बहुत जगह सरकार आलोचना करने सत्वे भी तर कि मात्रा गुण भी बखाणुं, किंतु तुम जब पर्टिकुलर किसी जगह सरकार को टार्गेट कर तुम तो जेल जी थय एर कि आश्चर्य हो ना। सेम जिन किद ते आप देखी थे मुंबईर शिवसेना जो सरकार थे एवं तो भस्मासुर निज मुंड हाथ रखी भस्म हो जाती, किंतु जो सरकार थी सेम अन्न गोस्वामी टेस्ट कौन होता नहीं बारंबार मानने जेल में पुरेवा एलिगेसन लगे कौ टाइप आरेस्ट करता भिडियो भी भाइराल होता सेम जिन ओडिशा चलती अर्धेन्दु भाई क्षेत्र में। जदि ए मानने मो कह कथा जे एत चेल अच्छा कहीं भाई मैंने भाई से माने जो काल्पनिक स्टोरी थर्ड ग्रेड स्टोरी को छाड़ी अर्धेन्दु भाई सपोर्टर तो कम से कम छिड़ा हो, आरेस्ट हवा जदि तर भूल अच्छी आरेस्ट करा जाओ से किसी ऑब्जेक्शन ना, किंतु जो माने जो जिनसटार जो वेयर हवा कथा से वेयर कौन हो कि अर्धेन्दु भाई निजे कहते एक तारीख दिन जाए डिप्टी अफिस देखा करी, किंतु ता पूर्व अचानक भाव एमती आणवार माने कौन वन टाइप गोटे हेरासमेंट कर माने कौन यहीपाई ना से बीजेडी सरकार जगन्नाथ मंदिर चारिपटे खोला हो जो आपणकर जो पाइखाना कहते से टॉयलेट स्वर उत्तोलन करते कि मात्रा से सी सरकार जो मानने भितर जो कलशिक मानसिकता चलुच्छी से सामना को आनी है ये तो दोष ना कौन दोष साधारण लोकर पाखे सब मीडिया वाला ही सामना को आसती से ही सरकार आ मझी लोक भितर मानने वार्तालापटा को जारी रखि था, किंतु जो चतुर्थ स्तंभ पर यह आक्षेप होड़शार बर्तमान चतुर्थ स्तंभ मानने लेवल एत मात्र दबीगला एत मात्र केवल पैसा नहीं न्यूज करवा फेक न्यूज करवा तापरे माने जो न्यूज रे किछि नाही अस्तित्व घर मानने पूरा मानने कुछ कदाकार न्यूज सब लोकों सामना को आणुच्च सरकार विरुद्ध सरकार कौन स्कीम कौन जिनस अग्राधिकार दि जाऊनी जो टुंगुरु भाव वर्षा भाया अटोवाला लव स्टोरी को जितनी प्राधान्य दिया सोशल मीडिया रे।
ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବେ ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି ମାନେ ଆଲବମ୍ ଗୀତ ସୁଟିଂ କଲାଣି। ଆରେ ଭାଇ ତମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ତମେ କାହିଁକି ସେଥିରେ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷକୁ ତମେମାନେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛ? ଆଉ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିବ, ଆଜି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଦାସଙ୍କର ଆସିଛି, କାଲି ତମର ଆସିବ। ଆଜି ସରକାର ଏ ସରକାର ଅଛି, କାଲି ଏ ସରକାର ଯିବ, କାଲି ତମେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଯାହା ସମାଜରେ ଯାହା ହେଉଛି ତାର କିଛି ନା କିଛି ଆଗ ଅଛି, କିଛି ପଛ ଅଛି। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କରୁଛ ତାକୁ ପାଇବ ହିଁ ପାଇବ, କମ୍ ସେ କମ୍ ସପୋର୍ଟର ତ ଆସ, ଟୁଇଟରରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ତ କର, କିଛି ପାଟରୁ ବାହାର ତ କରା ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଦାସଙ୍କର ଯଦି ତାଙ୍କୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି? ଏଥିରେ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଚାଟୁକାରୀ ପତ୍ରକାରିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଛା ବଛା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛି ନା, ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟା ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି। ତମେ ଏଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ରହିବ ତମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫେସିଲିଟି ମିଳିବ, ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ରହିବ ତମକୁ କିଛି ମିଳିବନି। ଦର୍ଶକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ଜଣେ ଭଲ ଏଡିଟର ଥିଲେ, ଭଲ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ବି ହେଇଛି, ବହୁତ ଜେନୁଇନ୍ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ହଁ, ହେଇପାରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଇଥିବ, କିଛି ମାନେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଥିବ, ସେ ସେମିତି କିଛି ମର୍ଡର୍ କରିଦେଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କେଉଁଠି ଫ୍ରଡ୍ କରିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତମେ ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛ? ଆଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଦାସ, ଆପଣମାନେ ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲାଣି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଆମେମାନେ ହିଁ ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସବକ ଶିଖାଇ ପାରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।